हेलो दोस्तों, गेमिंग जोन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रेजिडेंट ईविल 4 को ट्राई करेंगे पोको X3 प्रो डिवाइस के साथ। ये वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले ही रिकॉर्ड करी थी, पर उसमें ऑडियो प्रॉब्लम हो गई थी। ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ पूरी वीडियो में, सो री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2X रिजोल्यूशन के साथ हम ट्राई करेंगे डेवन PS2 प्रो के अंदर। इस गेम के लिए जो बेस्ट सेटिंग रहेंगी, ये आपको बेस्ट कंपेटेबल पर क्लिक करना है। इसके साथ जैसा आपका डिवाइस चला सकता है वैसा आपका चलाएगा। गेम पैड मैं यूज़ कर रहा हूँ, सो टच से मैं नहीं खेलूँगा। ये कंट्रोल्स ये थोड़ी देर बाद अपने आप हाइड हो जाएंगे। स्टार्टिंग की जो ये स्टार्ट मेन्यू है, इसमें 60 FPS है। ये गेम 60 FPS की है। सेम गेम आपको डॉल्फिन एमुलेटर में भी खेलने को मिलती है, पर एक सेकेंड। अब पोको X3 प्रो से कनेक्ट किया गया है। ऑडियो क्वालिटी आपको बेटर मिलेगी, तो मैंने एलेक्सा से कनेक्ट कर दिया। वैसे भी वो इसको सपोर्ट देने के लिए पीछे रखी है। ऑडियो काफी क्लियर है। 60 FPS पर ये स्टार्टिंग की क्लिप चल रही है। डायरेक्ट मैं गेम प्ले पर चलता हूँ। क्लिप काफी लंबी और स्किप नहीं होगी। ठीक से फोकस कर लेता हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। गेम यहाँ पर स्टार्टिंग में 60 FPS पर है। ये एकदम 60 FPS तो नहीं है, पर 60 से थोड़ा कम है। गेम काफी स्मूथ और फास्ट चल रही है। इधर पूरे गेम में आपको फास्ट और स्मूथ नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्लिप स्टार्ट होने से पहले हल्का सा लैग किया था। डॉल्फिन एमुलेटर के अंदर आप सिर्फ 30 FPS पर खेल सकते हो इस गेम को, पर उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है। उसमें लगातार 30 FPS पर चलती है, और क्योंकि उसकी 30 FPS मैक्स स्पीड है, तो आपकी गेम जो है मैक्स स्पीड पर इस डिवाइस के अंदर चल जाती है। क्लिप में इधर 60 है। ये PS2 ही गेम है। PS2 ही गेम 60 FPS की है, और ये गेम आपको 60 FPS में खेलने को मिलेगी अगर डिवाइस कैपेबल है तो। वैसे फिलहाल कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो इस गेम को लगातार 60 FPS पर चला पाए, कितना भी हाई एंड डिवाइस ले लो, क्योंकि एमुलेटर ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं है। सो फ्रेम रो फ्रेम स्किप होंगे। इस गेम में फ्रेम स्किप नहीं होते, फ्रेम स्किप की जगह गेम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। एक और बात, यहाँ पर एमुलेटर में एनिमेशन की प्रॉब्लम है। जब मैं इसको गोली मारता हूँ कोई भी ब्लड वगैरह नहीं दिखता है। कुछ तरह के टेक्सचर इसमें मिसिंग है इस एमुलेटर के अंदर। अभी स्मूथ है। विदाउट गेम पैड PS2 वाले एमुलेटर में ये गेम ठीक से खेली नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें कंट्रोल्स जो है उनका साइज बड़ा छोटा नहीं कर सकते हो आप, जैसा डॉल्फिन में कर लेते हो। बटन भी इसमें L1 R1 इस तरह के जो कंट्रोल हैं काफ़ी छोटे हैं, तो आपको गेम पैड यूज करना पड़ेगा इस गेम को खेलने के लिए डेवन PS2 प्रो एमुलेटर में। वैसे खेलोगे तो बार बार आप मर जाओगे। वैसे गेम पैड के साथ भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गेम एकदम स्मूथ नहीं चलेगा। यहाँ पर स्मूथ है, पर आगे स्मूथ नहीं चलेगा। फिलहाल लगातार 60 FPS दिखा रहा है FPS मीटर। अगर मैं थर्ड पार्टी का जो भी इस तरह का FPS मीटर मैं चेक करूँगा,
तो उसमें भी सेम ही दिखाएगा, क्योंकि गेम 60 FPS पर चल रही होती है। कई बार फ्रेम स्किप की वजह से, कई बार स्पीड बूस्ट की वजह से। यहाँ पर थोड़ा सा लैग किया था, फिर से 60 FPS, एकदम 60 नहीं लग रहा है, ये 50 के आसपास है अगर रियल टाइम स्पीड की हम बात करें, FPS की बात करें। गेम पैड से ऐसी गेम खेलने में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होती है, जिसमें आपको एम करना होता है। जो स्टोरी मोड वैसी एक्शन गेम होती हैं, जैसे गॉड ऑफ वार वगैरह है, उनके लिए आपको गेम पैड अच्छा रहता है, पर जिनमें आपको एम करना रहता है वैसी गेम में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि तो गेम पैड में जो ये एनालॉग स्टिक होती हैं, इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा हाई नहीं होती है। डॉल्फिन एमुलेटर इस गेम के लिए बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड एमुलेटर है। स्टोर के बाद अधिकतर डिवाइस फ्रेम ड्रॉप करते हैं डॉल्फिन के अंदर, जो कि मोस्टली बजट ट्रेन स्मार्टफोन है। देखते हैं PS2 के अंदर क्या होता है। इसमें तो बजट रेंज वाले स्मार्टफोन की फटके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि ये गेम 30 FPS की नहीं है, ये 60 FPS की है। यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप हुआ है 48 FPS, जैसा कि मैंने बोला था, इसमें फ्रेम स्किप की जगह गेम की स्पीड स्लो हो जाएगी, तो यहाँ पर गेम की स्पीड स्लो हो गई है। अगर मैं साइड में जाऊँगा तो फिर से स्मूथ हो जाएगा, जैसे अभी स्मूथ और फास्ट हो गया है। मैंने आधे घंटे तक टेस्टिंग करी थी, पर पता नहीं क्या हुआ, वीडियो में ऑडियो नहीं था। वो तो मैंने चेक कर लिया अभी, तो कल चेक करता है अपलोडिंग के टाइम पर, तो ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे लगा था कि MO वगैरह कुछ देगी है आंटी। यहाँ पर गेम की स्पीड थोड़ी स्लो है, लिफ्ट में तो 60 FPS है। अपनी गोली मिस करेगा, गेम पैड से ये काफी इजी था। हील करने के लिए मैं स्टार्ट बटन दबाया था, पर हीलिंग के लिए जो इन्वेंटरी है वो खुला ही नहीं। गेम पैड काफ़ी दिन से यूज़ नहीं हुआ है, कल ही मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। एक गेम डाउनलोड करी थी PC की, काफ़ी दिन से बंद था, तो इसके कंट्रोल थोड़े से कम काम कर रहे हैं, खासकर स्टार्ट बटन ठीक से काम नहीं कर रहा है। इधर स्लो था, अभी फिर से नॉर्मल हो गया है।
सो लंबी टेस्टिंग नहीं करेंगे, मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी इस डिवाइस के साथ। मैंने ऑलरेडी काफ़ी लंबी टेस्टिंग कर ली है, क्योंकि वो वीडियो में ऑडियो नहीं था तो मेरे को डिलीट करनी पड़ी, री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये में मिनिमम जो फ्रेम रेट रहेगी वो 35 होगी, एवरेज 45 के ऊपर चलेगा और 50 FPS मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगी। गेम प्लेबल है पर काफ़ी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये कि आप विदाउट गेम पैड नहीं खेल पाओगे। गेम का साउंड थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं ताकि क्लियरली सुन जाए। विदाउट गेम पैड आप इस गेम को ठीक से नहीं खेल पाओगे, क्योंकि एमुलेटर के कंट्रोलर ज़्यादा बढ़िया नहीं है और वैसे गेम पैड भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, पर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। विदाउट गेम पैड अगर आप इस गेम को ट्राई करते हो तो आप मुश्किल से ही 10-15 मिनट इसमें सर्वाइव करोगे, उसके बाद आप बेफालतू में मर जाओगे। गेम पैड से एटलीस्ट इसमें एक्यूरेसी होती है और आप टाइम पर एनिमी से बच सकते हो, गन वन निकाल सकते हो, नाइफ यूज कर सकते हो। विदाउट गेम पैड ये खेली नहीं जाएगी। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस गेम को डाउनलोड करके खेलो, इसके बजाय आप डॉल्फिन वाली डाउनलोड करो जो कि वी एडिशन है। वी एडिशन इस डिवाइस में 30 FPS पर चलती है और उसका 30 FPS इसके सामने काफ़ी फास्ट एंड स्मूथ है, क्योंकि वो गेम 30 FPS की है, ये गेम 60 FPS की है। अगर इसमें फ्रेम ड्रॉप होगा तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। उसमें फ्रेम ड्रॉप नहीं होता है, लगातार 30 FPS चलती है और इससे कहीं ज़्यादा बेटर चलती है, स्टेबल चलती है। सो आप डॉल्फिन एमुलेटर को ही ट्राई करें इसके लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही गेम प्ले करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरी गेम के साथ।